खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में दो दिन बाद यानी कि 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले ही छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप मामले में सियासत गरमाई हुई है। मामले की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। ईडी के इस दावे के तुरंत बाद सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर शब्दों का बाण चलाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने महादेव नाम को भी नहीं छोड़ा, तो भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी घबराई और डरी है। अब सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी चुनावी राज्यों में कांग्रेस को घेरने में कामयाब होगी और क्या ईडी के चक्रव्यूह में बघेल फंस गए हैं। आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना, कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना, पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। कांग्रेस ने आपके बच्चों को बाहर कर दिया और अपने बच्चों को भर्ती किया। आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है, गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है, जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। बीजेपी हमलावर है छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। बघेल के खिलाफ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, असीम दास से करीब
5.25 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है, क्या कांग्रेस नेताओं को असीम दास पैसा देते थे? स्मृति ईरानी ने पूछा। असीम दास को वॉइस मैसेज भेजे गए, पैसे देने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहकर सट्टा का खेल चल रहा है, स्मृति ईरानी की तरफ से आरोप लगे। असीम दास ने यह कबूल किया कि ये पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। अब तो स्पष्ट हो गया कि 508 करोड़ रुपया महादेव ऐप का भूपेश बघेल के पास आया और असीम दास को गिरफ्तार किया गया। असीम दास की गाड़ी में 5,37,00,000 रुपए जब्त हुआ। असीम दास ने बघेल के नाम से पैसा देने की बात कही और ये महादेव का प्रमोटर भी है, उनसे संबंध भी है। अब समझ में आ रहा है कि भूपेश बघेल ईडी से इतना डरता क्यों है, रोज़ सवेरे शाम ईडी का नाम क्यों लेता है। अब ये साफ हो गया कि 508 करोड़ ईडी ने जब अपने शासकीय विज्ञप्ति में कहा कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की तरफ से गया, जिसके बाद ये पूरा विवाद छिड़ गया। प्रमोटर ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए, ऐसा ईडी ने दावा किया। सौरभ चंद्राकर और भूपेश बघेल के कनेक्शन सामने आए हैं। चुनाव के लिए यूएई से रायपुर भेजा गया था कैश। दुर्ग, रायपुर और भिलाई रेड में करीब 5.5 करोड़ रुपए कैश बरामद भी हुआ, जिसके बाद ईडी की तरफ से जो दावा किया गया वो और पुख्ता होता नजर आया। किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूँ और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया कि आप एक मामले में जो अभी लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने है उसमें तो खूब दुबई की बात होती है, पर इस मामले में महादेव ऐप के बारे में दुबई में जो कार्रवाई करनी है अभी तक केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं है। हालांकि ऑनलाइन बेटिंग को 28% जीएसटी भी लागू कर दिया है, इसको कानूनी दर्जा दिया गया है, ये गैर कानूनी नहीं है, इसको कानूनी बना दिया है और उसके ऊपर 28% जीएसटी भी। देखिए, इनकी आदत यह है कि आरोप लगाएं विपक्षी नेताओं के खिलाफ। हमने इतने आरोप से देखे कि किसी का कन्विक्शन अब तक देखा है क्या? मैं बोलूंगा कि मैं जो बघेल साहब को जानता हूं वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो दिखा दो, अदालत पे दिखा दो, सीरियस इन्वेस्टिगेशन कर हमने नहीं। लेकिन जो भाजपा लीडर्स और उनके दोस्तों के खिलाफ जितने भी आरोप है उसके ऊपर क्या 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 जांच चले हैं अब तक? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चला रहे हैं तो सबको इन्वेस्टिगेट कीजिए जहां भी आरोप आए। ये सब ये क्या बात है कि आरोप सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ है, उनके नेताओं के खिलाफ, सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ? ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के हाथ से आप मीडिया में दिखा रहे हैं कि पैसे बरामद हो रहे हैं। आज ईडी का क्या हाल है आप पूरे देश के सामने देखें कि स्वयं मीडिया जो चित्रण कर रहा है उसमें ईडी को इन परिस्थितियों में दिखा रहा है।
अब आप किस माध्यम से नाम उठवा रहे हैं? एक आरोपी के माध्यम से जो रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं दूसरों का नाम लेने के लिए आरोप लगा के। कोई तथ्य है? मैंने आपको पैसा दिया, दिखना चाहिए ना। जैसे 5 करोड़ रुपया आपने कहा कि ये दिख रहा है, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अब वो 5 करोड़ में से मैंने आपको कितना दिया? आपके पास मिलना चाहिए ना 10-20 लाख, 1-2 करोड़। कोई चीज तो होना चाहिए। मैंने आरोप लगा दिया कि आप तो जो यहाँ मैं पकड़ाया हुआ हूँ और मैं आप कह रहा हूँ कि मैंने आपको दे दिया, उसमें कितना दम? और उसके ऊपर 5 करोड़ से सीधे आप चले गए 508 करोड़ में। किस बेस पे?